दोस्तों नमस्कार। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका हरी भरी वादियों, गुफाओं, झरनों और अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस वीडियो में हम बस्तर के वैभवशाली इतिहास और यहाँ की संस्कृति से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बस्तर छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में स्थित एक प्रमुख जिला है। करीब 6500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये इलाका एक समय भारत के केरल जैसे राज्य और बेल्जियम व इजराइल जैसे देशों से भी बड़ा था। दोस्तों बस्तर वही स्थान है जिसे रामायण में दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि भगवान राम ने 14 साल के वनवास का एक बड़ा हिस्सा इसी स्थान पर बिताया था। दोस्तों छत्तीसगढ़ बनने से पहले बस्तर काफी बड़ा जिला हुआ करता था। साल 1998 में बस्तर से पृथक कर दो नए जिले कांकेर और दंतेवाड़ा का निर्माण किया गया। आज बस्तर से अलग होकर कुल 7 जिले बन चुके हैं। ये सभी जिले बस्तर संभाग का ही हिस्सा है और इस पूरे इलाके को अभी भी सांकेतिक रूप से बस्तर ही कहा जाता है। दोस्तों एक आदिवासी क्षेत्र होने के नाते बस्तर एक ऐसी भूमि है जो खनिज और अपार वन संसाधनों से समृद्ध है। बस्तर जिले की जनसंख्या 2011 में 834,375 थी। बस्तर की करीब 70% आबादी गौंड, मांडिया, मुरिया, ध्रुव और हलबा जाति की है। बस्तर के आदिवासी अपनी आदिम संस्कृति को आज भी संजोए हुए हैं। तो दोस्तों जगदलपुर शहर बस्तर का जिला मुख्यालय है और राजधानी रायपुर से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंद्रावती नदी के मुहाने पर बसा ये शहर बस्तर संभाग का मुख्यालय भी है। इस शहर को कांकतीय राजाओं ने बस्तर की राजधानी बनाया और सुनियोजित तरीके से विकसित किया। दोस्तों आजादी से पहले बस्तर को एक रियासत माना जाता था। इतिहासकारों के अनुसार बस्तर रियासत की स्थापना 1324 ईस्वी के आसपास हुई थी। कांकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव के भाई अन्नवदेव वारंगल को छोड़कर बस्तर आए और यहां उन्होंने अपना शाही साम्राज्य स्थापित किया। अन्नवदेव के बाद कई दशकों तक उनके वंशजों ने बस्तर पर शासन किया। 15वीं शताब्दी में बस्तर को दो राज्यों में विभाजित किया गया और कांकेर को एक नई रियासत का दर्जा मिला। आजादी के बाद 1948 में राजनीतिक एकीकरण के दौरान बस्तर और कांकेर की रियासतों को भारत में विलय कर दिया गया। दोस्तों बस्तर रियासत के अंतिम शासक महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव थे। उन्होंने 1936 में बस्तर रियासत की सत्ता संभाली। वे बस्तर के सभी समुदायों में खास तौर पर आदिवासियों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। दोस्तों बस्तर की पहचान यहाँ के आदिवासी और उनकी पुरातन संस्कृति से है। आदिवासियों के अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं जो बेहद अनोखे हैं। बस्तर के जनजातीय समाज में मुख्य रूप से चेतराई, आमाखानी, बीज खुटनी, हरियाली और नवाखाई जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इस दौरान आदिवासी एकजुट होकर देवी देवताओं की आराधना करते हैं और अपने गांव परिवार की खुशहाली के लिए मन्नत मांगते हैं। दोस्तों बस्तर अपनी परंपरागत हस्तशिल्प कला के लिए भी खासा प्रसिद्ध है। बस्तर के निवासी अपनी इस दुर्लभ कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करते आ रहे हैं। बस्तर के आदिवासी मुख्य रूप से काष्ठ कला, बांस कला, मृदा कला और धातु कला में पारंगत हैं।